नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और री एजुकेशन एकेडमी के समझ की सीढ़ी प्लेलिस्ट के अंतर्गत आज एक लोकप्रिय टॉपिक को हम शामिल कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में सामान्यतः लोगों में अस्पष्ट अवधारणाओं का अभाव देखा गया है। आज का टॉपिक है सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस और इन दोनों की पृथक पृथक अवधारणाएं। तो हम इससे प्रारंभ करते हैं कि हमारा जो मानवीय समाज है वो मूल रूप से महिला और पुरुष इन दोनों ही लोगों से मिलकर के बना हुआ है। इन दोनों लोगों के बीच में अगर देखा जाए, महिला और पुरुष के बीच में, तो नैसर्गिक आधार पर कुछ अंतर पाए जाते हैं और जिससे उनके शारीरिक स्तर पर कुछ लाक्षणिक अंतर पाए जाते हैं जो विद्यमान होते हैं और दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर इसके संदर्भ में देखा जाए, एक विशेषता दाढ़ी, तो ये पुरुषों में तो होता है किंतु महिलाओं में नहीं होता। इसी तरीके से कई ऐसी विशेषताएँ हैं जो शारीरिक रूप से महिला और पुरुष के बीच में अंतर को स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है कि चूंकि ये जो अंतर है ये नैसर्गिक है, इसमें पूर्व से ही विद्यमान होता है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा या समाज के द्वारा नहीं बनाया गया होता है। चूंकि जब यह न तो समाज और व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, तो इसे उसके द्वारा समाप्त भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अपने स्वरूप में नैसर्गिक और प्राकृतिक है। एक दूसरी अवधारणा है जो सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर पुरुष और महिला के बीच में अंतर स्पष्ट करता है। और इस आधार पर ये जो विशेषताएं हैं, जो अंतर हैं, वो समाज और व्यक्ति के द्वारा जन्म लेने के बाद क्रिएट किया जाता है कि महिला ये कर सकती है, महिला को यहाँ जाना चाहिए, महिला को ये पढ़ना चाहिए। जैसे अगर शिक्षा के क्षेत्र में ही देखा जाए, अगर सामाजिक आधार पर देखें, तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि महिलाओं को डॉक्टर, नर्स, टीचर ये सब बनना चाहिए। और इसी तरीके से पुरुषों को लेकर के ये भ्रांतियाँ और अवधारणाएं समाज में विद्यमान है कि उन्हें डॉक्टर बनना चाहिए, अफसर बनना चाहिए, सिविल सेवक बनना चाहिए। तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये जो अंतर है, वो बेसिकली समाज के द्वारा बना दिया जाता है। तो इस प्रकार समाज में उपयुक्त दो प्रकार की जो अवधारणाएं विद्यमान है, इसी के पृष्ठभूमि में हम इन दोनों अवधारणाओं को समझ सकते हैं। जो ये पहली अवधारणा है, ये मूलतः एक जैविकीय, यह एक जैविकीय अवधारणा है, यह एक जैविकीय अवधारणा है जो किसी पुरुष और महिला के बीच में नैसर्गिक आधार पर अंतर की व्याख्या करता है और उनके दोनों लोगों में जो भी अंतर विद्यमान होते हैं वो जैविकीय अंतर कहलाता है। और यह पहली अवधारणा से जुड़ा हुआ है। चूंकि यह नैसर्गिक होता है, प्राकृतिक होता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के असमानता को कम नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी जो अवधारणा है वो समाज शास्त्रीय अवधारणा है। दूसरी जो अवधारणा है वो समाज शास्त्रीय अवधारणा है। और ये जैसा कि पूर्व में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के जो आधार होते हैं उनके आधारों पर अंतर की व्याख्या करता है या उसकी प्रत्यय से जुड़ा हुआ है, उसके विचार और आइडिया से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यह समाज के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसका हमेशा से विरोध होता है कि इस अंतर को समाप्त होना चाहिए। तो इस तरीके से व्यवहार में इन दोनों ही शब्दों का मतलब जो है कहीं ना कहीं लिंग लिखा होता है, लेकिन इन दोनों ही शब्दों का मूल रूप में इस आधार पर अंतर होता है कि यह पहली अवधारणा जैविकीय है जो नैसर्गिक आधार से महिला और पुरुष में जो अंतर है, जो विभिन्नताएं हैं, उसकी व्याख्या करने का प्रयास करता है। और जेंडर शब्द जो है वो समाज शास्त्रीय जो है अवधारणा है जो यहाँ पे मानव और समाज के द्वारा बनाया गया है। तो इन दोनों के पृष्ठभूमि में एक जो विचारधारा है, नारीवादी विचारधारा या नारीवादी जो है आंदोलन है, इस आंदोलन के कारण से ही इन दोनों ही अवधारणाओं के बीच के जो अंतर हैं उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। नारीवादी जो विचारक हैं, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, वो इस विचारधारा का खंडन नहीं करते हैं या इस प्रकार के अंतर को समाप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। इनका सीधा जो है चोट और प्रयास ये होता है कि जो समाज शास्त्रीय आधार पर महिला और पुरुष के बीच में अंतर बनाया गया है, उस अंतर को समाप्त करना चाहिए। क्योंकि जन्म से हर व्यक्ति यदि समान है
तो वहां पर समाज और किसी भी व्यक्ति को किसी महिला और पुरुष के बीच में अंतर करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर नारीवादी आंदोलन मूलतः पुरुष और महिला के उन जो है अंतरों को जो किसी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार पर व्यक्ति समूह या संगठन के द्वारा बनाया गया है उनके बीच में विद्यमान अंतर को समाप्त करने के सिद्धांत का समर्थन करता है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि इन दोनों ही प्रकार के शब्दों पहला ये और दूसरा जेंडर दोनों ही शब्दों के अवधारणाओं को आप लोग इन माध्यमों से समझ गए होंगे कि जो नेचुरल है जो नैसर्गिक है जो शारीरिक संरचना में दिखाई पड़ता है उन अंतर को हम जैविकीय अवधारणा कहते हैं और ये पहली अवधारणा को स्पष्ट करता है। दूसरा जेंडर है और यह एक समाजशास्त्रीय अवधारणा जो समाज में आने के बाद जो है अंतर पैदा होता है तो इसके लिए जेंडर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नारीवादी आंदोलन इस जो है अंतर का खंडन करते हैं और इसे समाप्त करने के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो निश्चित तौर पर आज ये समझ की सीढ़ी के इस संक्षिप्त वीडियो में आप लोगों को ये जानकारी महत्वपूर्ण रूप से अच्छी लगी होगी। नमस्कार।